नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंदी और हैंड स्टिच का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। और अगर मेरे वीडियो के बारे में आपको कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिंदी और यहाँ पे लाइन है जिसे मैं क्या करना वो बताने जा रही। इसे इस तरह से हम ये जो लाइन है यहाँ पे इस तरह से लाइन पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे और इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पर जो डेढ़ बखिया स्टिच होता है उसे यहाँ पे करना है। इस तरह से देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक और ये दूसरा लाइन है, तो दोनों लाइन पे इसी तरह से हम ये डेढ़ बखिया स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम पीछे से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे। मैंने पहले भी ये डिज़ाइन आपको बताया है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है। अब आपको मैं बताऊंगी कि दो तीन सिंधी का डिज़ाइन मिला के एक डिज़ाइन जिसे हम सूट साड़ी कहीं पे इस्तेमाल कर सके वो बताने जा रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों लाइनों को बना लिया। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ पर अपने सुई को निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा ये लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जैसे यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे इस तरह से और हम अपने धागे को सुई के आगे रखेंगे। फिर अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ आना है। जो हम सिंदी का पहला स्टिच करते हैं ना स्टेप, बस वही करना है यहाँ पे। देखिए इस तरह से और इसी तरह से हमें इन दोनों लाइनों के बीच में जो गैप है उसमें हमें सिंदी का पहला स्टेप करना है। इस तरह से यहाँ मैं हरे रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद का कलर का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने धागे को सुई के आगे रखेंगे। इस तरह से और इसी तरह से हम अपने लाइन के बीच में इस तरह से दो लाइन के बीच में जो जगह है उसे इसी तरह से फिल कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इस डिज़ाइन को यहाँ पे बना लिया है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे ये जो सिंदी का डिज़ाइन है इसे कैसे बनाना है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे निकालेंगे और फिर अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और आप देखिए कि आपका ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी है, इन तीनों के बीच में ऐसे सेंटर लेते हुए हम यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकालेंगे। मैंने इस डिज़ाइन पे भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से हम अपने धागे को सुई के आगे रखेंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पे आना है। और देखिए फिर देखिए मेरा डिज़ाइन यहाँ आ रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी सीनरी स्टिच को करने के लिए 4 स्टेप लगते हैं, तो अभी मैं आपको पहला स्टेप बता रही हूँ इस तरह से। और फिर अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और फिर देखिए यहाँ से जैसे जैसे अब ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। अब यहाँ से हम अपने ग्राफ पे निकालेंगे जहाँ पे मेरा ग्राफ है इस तरह से। फिर अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ पे आएंगे। हम यहाँ से दूसरा स्टेप बताने जा रही हूँ मैं आपको कि क्या करना है। यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से हम इस तरह से ऊपर से आएंगे। फिर यहाँ इन दोनों के बीच से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब हम यहाँ पे मेरा सुई इस धागे के नीचे से जाएगा, यानी अब आपको अल्टरनेट करना। यहाँ से हम ऊपर से आए थे, अब हम इस धागे के नीचे से लेके आएंगे और यहाँ से देखिए फिर इन दोनों के बीच से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम यहाँ पे आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे। यानी कि आपको अब अल्टरनेट करना, एक बार आपको धागा ऊपर से लेके जाना है और एक बार नीचे से, और हर बार हम अपने धागे को इस तरह से सुई से आगे रखेंगे। देखिए इस तरह से फिर हम इस तरह से ऊपर से आएंगे। ये मेरे सिंधी डिजाइन का दूसरा स्टेप है। अगर आपने मेरा इससे पहले वीडियो देखा होगा सिंधी का तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। इसी तरह से अब हम यहाँ फिर से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए धागे को सुई के आगे रखना है और देखिए यहाँ से फिर नीचे जाना है। दूसरे स्टेप में बस आपको यही करना है, एक अल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। इस तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा स्टेप भी बना लिया है। अब आपको मैं बताऊँगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना। तो फिर से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे हमें सुई को इस तरह से अंदर कर देना है और फिर यहाँ से जो दो धागों का क्रॉस है हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ से यहाँ आना है। अब मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। देखिए इस तरह से हम यहाँ से देखिए ऐसे आएंगे, तो हमें यहाँ से इसके बीच से सुई को निकालना है जो मैंने पहले स्टेप में बनाया था। देखिए फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से आने के बाद जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो पहले वाला धागा उसे हम इसी तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए अब आपके यहाँ पे 4 धागा दिखेगा, 1 2 3 4। जब 4 धागा हो तो इस तरह से हम पहले धागे को उठाएंगे, दूसरे को हम छोड़ देंगे और तीसरे धागे को फिर से हम अपने सुई पे ले लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, तो इस धागे को भी हम अपने सुई से उठा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ आएंगे। तीसरे स्टेप में आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, जो हमने पहले और दूसरे स्टेप में कपड़ा पकड़ा था। तो अब हमें अपने सुई को इन धागों के ऊपर से ले घुमाना, देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ आएंगे धागे के नीचे से। सिंधी का मेन स्टेप पहला और दूसरा है। एक बार जब पहला और दूसरा अच्छे से बन जाए तो तीसरे और चौथे में कोई परेशानी नहीं होती। अगर पहला स्टेप थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो समझिए आगे का डिज़ाइन आपका बनेगा ही नहीं। देखिए यहाँ से फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से देखिए 4 धागा है, तो इसी तरह पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे ले लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। इसी तरह से एक एक को हम इस तरह से एक एक बनाते जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जब भी हम यहाँ से नीचे देखिए यहाँ से जब भी हमें इधर आना है तो हम पहले से जो धागा इसे हमें से अपने सुई पे उठा लेना, जैसे यहाँ उठाए फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे।
अपने सुई को इन धागों के बीच से ही लेके जाना। और इसी तरह से हम इस तीसरे स्टेप को भी पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको कि चौथे स्टेप में क्या करना है। देखिए मेरा तीसरा स्टेप ही ख़त्म ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में क्या वर्क करना है। देखिए इस तरह से। फिर अब हम यहाँ से आएंगे इस तरह से। फिर इस पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठाना है। फिर यहाँ से जो अब मेरा काम जो है नीचे में होगा। अभी ऊपर में कर रहे थे, अब चौथा स्टेप हमें नीचे में करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे चार धागा, तो इसी तरह से हम एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना है। यानी कि अब आपको अल्टरनेट करना। फिर यहाँ से इस तरह से हम इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे इस तरह से इस धागे के, देखिए इस धागे के बीच से हमें अपने सुई को लेकर जाना है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे चार धागा है। जब भी चार धागा हो तो इस तरह से जो नीचे वाला धागा है उसे फिर सबसे पहले हम अपने सुई पे उठाएंगे, फिर दूसरा को छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और इस तरह से देखिएगा आप अल्टरनेट होगा, एक ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है। जब भी दो धागा हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक ऊपर तो एक नीचे होना चाहिए। बस इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी करना है। और फिर यहाँ पे चार धागा, तो इस तरह से हम सुई की सहायता से जो नीचे में मेरा पहला वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे उठाएंगे, और फिर यहाँ पे तीसरे वाले धागे को भी इसी तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से हम अब यहाँ आएंगे। और इसी तरह से फिर यहाँ चार धागा है, एक एक करके हम देखे एक को उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से हमें अपने इस राउंड को, इस स्टेप को पूरा कर लेना है। और देखिए सेम इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे, क्योंकि दोनों डिज़ाइन एक ही है तो इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना है। देखिए ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसी डिज़ाइन को देखे बहुत आगे लंबा बना लिया है। मैंने आपको छोटा सा ग्राफ बताया था लेकिन इसी को मैंने यहाँ तक बनाया है। देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इस डिज़ाइन को अपने सूट के ऊपर बनाया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।